बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत समूरा बिन जुंदुब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? जो कोई ख्वाब बयान करता तो आप उसकी तामीर यानी ताबीर के साथ फरमाते। एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठा कर कहा हमारे साथ चलिए। मैं उनके साथ चल दिया। एक शख्स पर हमारा गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरे उसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है और वह लेटे हुए शख्स के सर पर ज़ोर से पत्थर मारता है जिसकी वजह से उसका सर उछल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। ले जाकर पत्थर उठा कर लाता है। इसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है। फिर यह उसी तरह पत्थर मारता है और वह कुछ होता है जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों से ताज्जुब से कहा, सुभानअल्लाह, ये दोनों शख्स कौन हैं और यह क्या मामला हो रहा है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले। हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चित लेटा हुआ है और एक शख्स के पास जिंदूब लोहे के किले निकाले यानी निकालने वाला आला लिए खड़ा है जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक जानब आकर उसका जबड़ा नथुना और आँख बुद्धि तक चीरता चला जाता है। फिर दूसरी जानब भी उसी तरह करता है। अभी यह दूसरी जानब से फारिग नहीं होता कि पहली जानब बिल्कुल अच्छी हो जाती है। वह उसी तरह करता रहता है। मैंने उन दोनों से कहा, सुभानअल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले तो एक तंदूर के पास पहुँचे जिसमें बड़ा शोर व गुल हो रहा था। हमने इसमें झांक कर देखा तो उसमें बहुत से मर्द और औरत नंगे हैं। उनके नीचे से आग यानी आग का एक शोला आता है। जब वह उनको अपनी लपेट में लेता है तो वे चीखने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। एक नहर पर पहुँचे जो खून की तरह सुर्ख थी और उसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसने बहुत से पत्थर जमा करके रखे थे। जब तैरने वाला शख्स तैरते हुए उस शख्स के पास आता है जिसने पत्थर जमा किए हुए है तो यह शख्स अपना मुंह खोल देता है तो किनारे वाला शख्स इसके मुंह में पत्थर डाल देता है जिसकी वजह से वह दूर चला जाता है और फिर तैर कर वापस उसी शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है और किनारे वाला शख्स उसके मुँह में पत्थर डाल देता है। मैंने उन दोनों से पूछा, ये दोनों शख्स कौन हैं? उन दोनों ने कहा, आगे चलिए। फिर हम आगे चले तो जितने खूबसूरत आदमी तुमने देखे होंगे उन सबसे ज़्यादा बदसूरत आदमी के पास से हम गुजरे। उसके पास आग जल रही थी जिसको वह भड़का रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा, ये शख्स कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। फिर हम एक शख्स ऐसे बाग में पहुँचे जो हरा भरा था और उसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे। उस बाग के दरमियान एक बहुत लंबे साहब नज़र आए। उनके बहुत ज़्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतने ज़्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। मैंने पूछा, ये कौन है और ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने मुसीबत यानी उन्होंने मुझसे कहा, आगे चलिए आगे चलिए। फिर हम चले और एक बड़े बाग में पहुँचे। मैंने इतना बड़ा खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा, इसके ऊपर चढ़िए। हम उस पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुँचे जो इस तरह बना हुआ था कि उसकी ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी। हम शहर के दरवाजे के पास पहुँचे और उससे खुलवाया, वो हमारे लिए खोल दिया गया। हम उसमें ऐसे लोगों से मिले जिनके जिस्म का आधा हिस्सा इतना खूबसूरत था कि तुमने इतना खूबसूरत न देखा होगा।
और आधा हिस्सा इतना खूबसूरत था कि इतना खूबसूरत तुमने न देखा होगा। उन दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा कि जाओ उस नहर में कूद जाओ। मैंने देखा सामने एक चौड़ी नहर बह रही है जिसका पानी दूध जैसा सफ़ेद है। वे लोग उसमें कूद गए। फिर वह हमारे पास वापस आए तो उनकी खूबसूरत ख़त्म हो चुकी थी और वह बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा यह जन्नत अदून है और यह आपका घर है। मेरी नज़र ऊपर उठी तो मैंने सफ़ेद बादल की तरह एक महल देखा। उन्होंने कहा यही आपका घर है। मैंने उनसे कहा बारकल्लाहु फीकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों को बरकत दे, मुझे छोड़ो मैं उसके अंदर जाऊँ। उन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा आज रात मैंने अजीब चीज़ें देखी है, ये क्या है? उन्होंने मुझसे कहा अब हम आपको बताते हैं। पहला शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, यह वह है जो कुरान सीखता है और उसको छोड़ देता है, न पढ़ता है न अमल करता है और फर्ज नमाज छोड़कर सो जाता है। दूसरा वह शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसके जबड़े नथुने और आँखों के गुद्दी तक चिरा जा रहा था, यह वह है जो सुबह घर से निकल कर झूठ बोलता है और वह झूठ दुनिया में फैल जाता है। तीसरा वे नंगे मर्द और औरतें जिन्हें आपने तंदूर में जलते हुए देखा था, जिनाकार मर्द और औरतें हैं। चौथे वह शख्स जिसके पास से आप गुजरे जो नहर में तैर रहा था, उसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था, सूदखोर है। पांचवा वह बदसूरत आदमी जिसके पास से आप गुजरे जो आग जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था, जहन्नम का दरोगा है जिसका नाम मालिक है। छठे वह साहब जो बाग में थे हैत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और वे बच्चे जो उनके चारों तरफ थे, ये वे हैं जो बचपन ही में फितरत इस्लाम पर मर गए। उस पर किसी सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह मुशरिकीन के बच्चों को क्या होगा? आपने साथ फरमाया मुशरिकीन के बच्चे भी वही थे और ये लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था, ये वे लोग थे जिन्होंने अच्छे अमल के साथ बुरे अमल किए। अल्लाह ताला ने उनके गुनाह माफ़ कर दिए। हैत अबू जर और हैत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि मैं सारी उम्मतों में से अपनी उम्मत को क़यामत के दिन पहचान लूँगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? आपने साथ फरमाया मैं उन्हें उनके अमाल नामे दाएँ हाथ में दिए जाने की वजह से पहचानूंगा और उन्हें उनके चेहरों के नूर की वजह से पहचानूंगा जो सजदों की कसरत की वजह से उन पर नुमाया होगा, और उन्हें उनके एक खाना नूर की वजह से पहचानूंगा जो उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा। यह नूर हर मोमिन के ईमान की रोशनी होगी। हर एक की ईमानी कुवत के बकदर उसे रोशनी मिलेगी। सुभानअल्लाह, अल्लाह सबको जन्नत के आला से आला मकाम और जन्नत के अंदर में जाने के लिए एक नूरानी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है आमिर इस्लामिक चैनल, आमिर इस्लामिक बयान। अस्सलाम वालेकुम।